हेलो एवरीवन, मैं हूँ माला यादव। नमस्कार, स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लेवर टी। जी हाँ दोस्तों, जो पहली चाय होगी वो मसाला चाय होगी, दूसरी चाय जो है लेमन ग्रास टी और तीसरी ईरानी चाय होगी। ये बहुत ही यम्मी बनती हैं और चाय पीने वालों को बहुत ही मज़ा आ जाएगा। चलिए पहली चाय शुरू करते हैं, मसाला चाय। इसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें इलायची है, ये लौंग है, कुछ कुछ दाने हैं इसके, तेजपत्ता, सौंफ और ये अदरक, और ये दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। इन सबको हम कूट लेंगे, जिसमें जो कूटने वाला होता है। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, गैस ऑन कर लिया और मैंने 1/4 कप में करीब में पानी डाला है इसके अंदर। ये मसाले, ये अदरक और ये मसाले मैंने सबको आपस में कूट लिया, अदरक भी और मसाले भी, और एक साथ ही मैं इसको पानी में डाल दूंगी। पानी हमारा गर्म हो गया है, गैस हमारी लो मीडियम है, थोड़ी देर इसको उबाल लेंगे जो फ्लेवर इसके अंदर आ जाए सारा। अब ये मैंने चाय पत्ती डाल दी है, एक छोटा चम्मच चाय पत्ती है। अब अगर आप थोड़ा स्ट्रांग पीते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये चाय बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। ये चीनी है, एक बड़ा चम्मच चीनी डाला है मैंने। अगर आप ज़्यादा मीठी पीते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। इस चाय उबल गई, इसमें मैंने दूध डाल दिया, 1/4 कप करीब में मैंने दूध डाला है। इसको उबलने देंगे, जिससे चाय का फ्लेवर और दूध आपस में मिक्स होके और भी फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। उबल रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, इतनी अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है। अब इसको छान लेंगे, तैयार हो गया, गैस हमने बंद कर दी है, ये चाय छान रही हूँ। ये कुल्लड़ लिया है दोस्तों, आपको पता है कुल्लड़ में चाय पीने की बात ही कुछ और होती है। मेरे पास 2 कुल्लड़ लेके आई थी मैं, तो मैं इसमें छान लिया मैंने। अब चलिए दूसरी चाय बनाते हैं, लेमन ग्रास चाय। इसके लिए वापस बर्तन ले लिया मैंने, फिर से मैंने 1/4 कप पानी लिया, गैस ऑन है हमारी, ये भी उबल जाए, हल्का हल्का गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 1 इंच अदरक कूट के डाल दिया है। दोस्तों ये चाय बहुत अच्छी बनती है, इसमें हम लेमन ग्रास डालेंगे, रेडीमेड लेमन ग्रास है, ये मिल जाती है किराना के शॉप पे, आप इसका पौधा भी लगा सकते हैं। ये एक छोटा चम्मच मैंने लेमन ग्रास डाल लिया, इससे बहुत ही यम्मी फ्लेवर आता है और लेमन ग्रास हमारे पेट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और खुशबू चाय का जो स्वाद है वो तो कई गुना बढ़ा देता है ये। तो आप इस तरह से भी बना के पीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये चाय। ये एक छोटा चम्मच चाय पत्ती डाल ली मैंने, वापस अगर आप स्ट्रॉन्ग पीते होंगे तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए, 1 बड़ा चम्मच चीनी है। ये चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप 1 कप पर रुक ही नहीं सकते, चाय को बना के पीजिए, और पी के भी बहुत हल्का हल्का लगता है, डाइजेशन काफ़ी अच्छा कर देती है ये। अब ये दूध है, 1/4 कप के करीब में मैंने दूध डाल दिया इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से चम्मच से। गैस हमारी लो मीडियम है, कुछ देर इसको उबाल लेंगे अच्छे से, जिससे दूध और चाय और जो उसका चीज़ें डली हैं आपस में मिक्स होके अच्छी फ्लेवर खूब अच्छा हो जाए इसका। चलिए ये बन गई है, रेडी हो गई, गैस ऑफ कर दी हमने, अब इसको छान लेते हैं। ये देखिए वापस मैंने कूलर ले लिया है, आप किसी में भी छान के पी सकते हैं, चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए छान लिया मैंने, यहाँ तो खुशबू आ रही है, लेमन ग्रास बनती है तो पूरी किचन में खुशबू फैल जाती है। चलिए तीसरी चाय बनाते हैं, ईरानी चाय। ये बिल्कुल कुछ हटके चाय है और ये एक मलाईदार चाय होती है। इसके लिए मैंने बर्तन ले लिया, गैस ऑन कर ली और 1/4 ग्लास के करीब में मैंने दूध इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 ग्लास कर चुकी हूँ, थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूंगी इसके अंदर में। ये थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया मैंने, मिक्स कर लिया। इसकी जो मलाई आएगी वो उतारेंगे हम और थोड़ा सा इसको थोड़ी देर इसको उबालेंगे, जिससे गाढ़ा हो जाए दूध। इस चाय की खासियत ही यही है, ये इसी तरह से बनती है। ये दूध उबलने लगा मेरा, चम्मच से चला के देख लेंगे, और मैंने उतार के रख दिया जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया। मैंने बर्तन ले लिया और उसमें मैंने वापस 1/4 कप पानी डाल दिया है और ये भी उबाल आने लगा। इसमें एक छोटा चम्मच मैंने चाय पत्ती ऐड कर ली है। और 1 बड़ा चम्मच
चीनी, इसमें अगर आप कुछ अदरक वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर ये बिना इसके ही बहुत अच्छी लगती है। ईरानी चाय इसी तरह से बनाई जाती है। ये अच्छे से मेरी चाय उबल गई है, उधर मेरा दूध भी हल्का सा वो हो गया है, ठंडा हो गया, हल्का, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ये देखिए, अब इसको कि मैं मलाई उतार लूँगी जो हमारे चाय में डलेगी। दोस्तों बनाइए, बहुत ही अच्छी चाय बनती है ये पार्टी के मज़े को बिल्कुल दुगना कर देगी। चलिए अब चाय तैयार करते हैं, ईरानी चाय। जो हमारी चाय बन गई है, गैस ऑफ कर दिया मैंने, ये काली चाय इसमें छान लेंगे। ये देखिए मैंने छान ली, ऊपर का पोर्शन खाली रखेंगे क्योंकि इसके अंदर हम जो दूध हमने गाढ़ा करके रखा है ना उबाल के, वो ऐड करेंगे। ये दूध हम इसमें हमने ऐड कर लिया। ये देखिए, अगर आप थोड़ा ज़्यादा दूध चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। ये मलाई जो मैंने निकाली थी कटोरी में, उसको मैंने मिक्स कर ली और ऊपर से मैंने सर्व कर लिया है। दोस्तों बहुत अच्छी बनती है, यमी चाय बनती है, और साउथ से लेकर उत्तर तक चाय पी जाती है। ऐसे में फ्लेवर टी मिल जाए तो क्या बात है। और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, कमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ध्यान रखिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।